पब्लिक प्लेस में किसी को किस करना या फिर हग करना क्या कोई सच में कानूनन जुर्म होता है? तो आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे आपने ऐसे इंसिडेंट देखे होंगे जब भी आप पार्क जाते हैं या फिर किसी भी मॉल जाते हैं, तो आपने ऐसे कोने में ऐसे कपल्स बैठे हुए देखे होंगे जो आपस में किस करते रहते हैं या फिर हग करते रहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि आप जाकर के उनकी कंप्लेंट कहाँ कर सकते हैं या फिर उन्हें कैसे समझा सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं ये पब्लिकली ये एक ऑफेंस है। और आपको ये भी नहीं पता है कि ये कौन से सेक्शन के अंतर्गत आता है जिसमें ये कहा जा सके कि ये पब्लिकली पब्लिक में करना, ऐसा किस करना, हग करना, ये कानूनन जुर्म होता है। तो आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड है। मैं एडवोकेट खुशबू जहांगीर और स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वकील करो पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की और समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। यदि कोई भी व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर जाकर के किस करता है या फिर हग करता है या फिर ऐसी कोई अश्लील हरकत करता है, तो ये सेक्शन 294 के अंतर्गत एक कानूनन जुर्म माना गया है। इसके अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि ऑब्सेंस एक्ट एट अ पब्लिक प्लेस इज एन ऑफेंस, यानी कि यदि कोई भी व्यक्ति अश्लील हरकत करता है पब्लिक प्लेस पर जाकर के, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है, जिसके अंतर्गत कोर्ट आपको 3 महीने की सजा दे सकती है या फिर फाइन लगा सकती है या फिर ये दोनों जो है पनिशमेंट भी दे सकती है। इसके साथ ये जो सेक्शन 294 है ये बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि इस ऑफेंस के अंतर्गत आपको इजीली बेल मिल जाती है। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये ऑब्सेंस एक्ट यानी कि अश्लील हरकतें कौन सी होती है और अश्लील हरकतों की एक्चुअली कैटेगरी क्या होती है कि जब हम ये कह सके कि ये पब्लिक में करना ही कानूनन जुर्म होता है। तो यहाँ पर अश्लील हरकतों का मतलब ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई गाना गाता है जिससे सामने किसी व्यक्ति को जो है अनकंफर्टेबल फील होता है या फिर ऐसे कुछ एक्ट करता है किसी भी पब्लिक प्लेस पर, तो ये सेक्शन 294 के अंतर्गत एक पनिशेबल ऑफेंस माना गया है। लेकिन इसके अंतर्गत यहाँ पर डेफिनेशन के अंतर्गत ये अश्लीलता को यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है, यानी कि ऑब्सेनिटी एक्ट को, ऑब्सेंस एक्ट को यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है। ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा कुछ एक्ट करता है जिससे कोई सोशल मोरल जो है यहाँ पर सोशल मोरल वैल्यूज को यहाँ पर हार्म पहुंचती है या फिर उसकी डिग्निटी को हार्म पहुंचती है या फिर सामने वाला व्यक्ति जो आपको देख रहा है या फिर आपके साथ में बैठा है तो उसको अनकंफर्टेबल फील होता है, तो यहाँ पर इस सेक्शन का ऑफेंस माना जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति पब्लिक में किस करता है या फिर हग करता है तो ये क्या सच में कोई कानूनन जुर्म होता है? तो यहाँ पर डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पार्क में जाते हैं घूमने के लिए, आप अपने बच्चों को साथ में लेकर के जाते हैं, लेकिन आप कोने में ऐसे कपल्स को बैठे हुए देखते हैं जो कि ऐसी मतलब अश्लील हरकतें करते हैं या फिर इस तरीके से किस करते हैं कि आप उसको देख करके बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो जाते हैं। आप अपने बच्चों को वहां से पार्क से ले जाने के लिए मतलब आप उनको बाहर ले जाना ही बेटर समझते हैं, तो ये कहलाता है कि आप जो सामने जो व्यक्ति है वो सच में सेक्शन 294 का ऑफेंस कर रहा है, यानी कि वो जो है यहाँ पर अश्लील हरकतें कर रहा है। लेकिन यदि कोई माता पिता अपने बच्चे को किस करते हैं तो ये अश्लीलता की डेफिनेशन में नहीं आता है, ये सेक्शन 294 के अंतर्गत ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता है। लेकिन यदि कोई पति पत्नी आपस में किस करते हैं तो यहाँ पर ये जो है ऑफेंस की कैटेगरी में आता था। लेकिन इससे रिलेटेड एक केस आया था 2009 में, ए बी वर्सेस स्टेट थ्रू एनसीडी दिल्ली। इस केस में हुआ ये था कि पब्लिक में जो है हस्बैंड वाइफ आपस में बैठ के किस कर रहे थे और जो है अपना पर्सनल मोमेंट शेयर कर रहे थे, तो वहां पर ये क्या हुआ कि पब्लिक में जो लोग बैठे थे वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो गए थे, तो यहाँ पर जाकर के उनने कंप्लेंट दर्ज कर दी थी। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हस्बैंड वाइफ जो है किस कर रहे थे, हग कर रहे थे पब्लिक प्लेस पर, तो ये ऑब्सेनिटी की यानी कि अश्लील हरकत की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक एक्ट है जो है जिससे वो लव और अफेक्शन को जो है अपने जाहिर कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें जो है हस्बैंड वाइफ, अब करंट सिचुएशन की यदि मैं बात करूं तो हस्बैंड और वाइफ यदि किसी पब्लिक प्लेस पर किस करते हैं, हग करते हैं, तो ये कोई कानून जुर्म नहीं होता है। तो अब डिस्कस करते हैं केस जो कि रंजीत डी उडेसी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल है, 1964 के अंतर्गत ये केस आया था। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो ऑब्सेंस वर्ड है उसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन सेक्शन 294 के अंतर्गत नहीं दी हुई है, इसके साथ ही हमारे आईपीसी में कहीं पर भी ऑब्सेनिटी यानी कि अश्लील हरकत की डेफिनेशन नहीं दी हुई है। तो ये जो अश्लील हरकत तब अश्लील हरकत मानी जाएगी जब किसी सोशल मोरल वैल्यूज को यहाँ पर जो है हार्म पहुंचता है, यहाँ पर उसकी डिग्निटी को हार्म पहुंचती है, तो ये कहा जा सकता है कि वो सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो अश्लील हरकत कर रहा है। तो यहाँ पर हर एक बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये हर बार जो है सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा, हर बार केस टू केस डिपेंड करेगा।
क्योंकि हमारे आईपीसी में कहीं पर भी ऑब्सेनिटी की डेफिनेशन नहीं दी हुई है, इसके साथ ही ना ही सेक्शन 294 के अंदर ऑब्सेनिटी को क्लियर किया गया है। तो इस केस में ये कहा कि ऑब्सेन वर्ड कहीं पर डिफाइंड नहीं है, तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन यहाँ पर डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो हमारा आर्टिकल 19(1)(a) है, जिसके अंतर्गत राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्या उसके अंतर्गत राइट टू एक्सप्रेस लॉ भी आता है? तो यस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत हमारा अब जो है राइट टू एक्सप्रेस लॉ भी आता है, लेकिन यहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, जैसा कि आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत दिया हुआ है। जब किसी सोशल मोरल वैल्यूज को यहाँ पर हार्म पहुंचता है, जब यहाँ पर किसी पब्लिक मोरालिटी को जो है हार्म पहुंचता है, यहाँ पर पब्लिक डिग्निटी हर्ट होती है, तो यहाँ पर यस डेफिनेटली उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति पब्लिक में किस करता है, हग करता है, और उस हग से या फिर किस से यहाँ पर जो है किसी पब्लिक मोरल को हार्म पहुंचता है, किसी डिग्निटी को हार्म पहुंचती है, तो डेफिनेटली ये एक ऑफेंस की कैटेगरी के अंतर्गत आता है, और जो कि सेक्शन 294 के अंतर्गत दिया हुआ है। इसके अंतर्गत कोर्ट आपको 3 मंथ्स की पनिशमेंट दे सकता है, या फिर फाइन इम्पोज कर सकता है, या फिर ये दोनों पनिशमेंट भी दे सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक ये था कि यदि कोई व्यक्ति किसी पब्लिक प्लेस पर जाकर के किसी को किस करता है या फिर हग करता है, तो क्या कोई कानूनन जुर्म होता है? यस, डेफिनेटली होता है। पूरा वीडियो आप देखिए, आपको समझ में आ गया होगा। जो मेरा आज का जो हमारा टॉपिक था वो मैंने पूरा अच्छे से और पूरा जो है बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी है यहाँ पर। तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वकील गरोगो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।